कोलकाता की घटना को देखते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय कल रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति अस्पताल और DKS अस्पताल की स्वशासी समिति की बैठक में लिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने तथा बंद मशीनों को जल्द शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी वो चलते रहेंगे, लेकिन उसके स्थापना के भी काम साथ के साथ चलते रहेंगे। उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। बैठक में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।